करने लगे हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव तथा मानवता की साझा नियति में विश्वास पर्यावरण की रक्षा करने में हमारी मदद कर सकता है। इस संदर्भ में ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में भारत की अग्रणी भूमिका तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने की पहल विशेष रूप से सराहनीय है। माननीय सदस्यगण, जब मैं जनसेवक के रूप में अपने और सरकार के प्रयासों के बारे में सोचता हूं तथा अपनी पूरी पीढ़ी की ओर से विचार करता हूं, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हालांकि बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारा देश धीरे धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से डॉक्टर आम्बेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं मिट्टी से बने एक कच्चे घर में पला बढ़ा हूँ, लेकिन अब ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है जिन्हें आज भी उन कच्चे घरों में रहना पड़ता है जिनमें छत से पानी टपकता हो। आज बड़ी तादाद में हमारे गरीब भाई बहनों के पास भी पक्के घर हैं। ये बदलाव काफ़ी हद तक सरकार के विशेष प्रयासों से संभव हो सका है। अब हमारी बहुत सी बेटियों और बहनों को पीने का पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हर घर नल से जल पहुंचे। हमने घर घर में टॉयलेट्स भी बनवाए हैं जो एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की नींव डाल रहे हैं। सूर्यास्त के बाद लालटेन या दिया जलाने की यादें भी पुरानी हो रही हैं, क्योंकि लगभग सभी गांव तक बिजली का उजाला पहुंच गया है। जैसे जैसे हमारे देशवासियों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उनकी आकांक्षाओं में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव का बड़ा रोचक एहसास पिछले महीने ही मैंने अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान देखा, जब वहां एक वृद्धा आश्रम में रहने वाली एक महिला ने मुझसे हेलीकॉप्टर की सवारी कराने का अनुरोध किया। आज सामान्य देशवासियों के सपनों को उड़ान मिल रही है। यह बदलाव भेदभाव रहित सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है। सामान्य जन के जीवन को बेहतर बनाने वाली यह समावेशी प्रगति बाबा साहब आम्बेडकर की परिकल्पना के सर्वथा अनुरूप है। महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना को निरंतर मजबूत होते देखकर मुझे विशेष संतोष का अनुभव होता है। यह सशक्तिकरण युवा पीढ़ी की हमारी बेटियों को और आगे बढ़ा रहा है। मैंने जितने दीक्षांत समारोहों में भाग लिया है, उनमें से अधिकांश संस्थानों में मैंने देखा है कि बेटियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बदलाव को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में महिला सशक्तिकरण से हमारा समाज और अधिक मजबूत होगा। स्त्री पुरुष के बीच समानता के इस अभियान का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति में भी परिलक्षित होता है। माननीय सदस्यगण, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं राष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उनका चुनाव महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के साथ साथ समाज के संघर्षशील लोगों में महत्वाकांक्षा का संचार करने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके अनुभव, विवेक और व्यक्तिगत आदर्श से पूरे देश को प्रेरणा मिलेगी और मार्गदर्शन भी। मैं एक बार फिर आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सबके साथ काम करने का मेरा अनुभव अविस्मरणीय रहा है। आप सबने संसद के अंदर और बाहर देश की जनता के हित से जुड़े अनेक कार्य किए हैं, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने आप सबके साथ विभिन्न आयोजनों में विचारों का आदान प्रदान किया है। मैं समय समय पर
सांसदों के तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के अनेक प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करता रहा हूँ। राष्ट्रपति के पद को आप सब ने जिस प्रकार निरंतर सम्मान दिया है उसकी मैं सराहना करता हूँ। इस दौरान मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ काम करने का भी अवसर मिला है। उन सब ने मुझे जो विशेष सम्मान दिया है उसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू को उनके सतत सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। वेंकैया जी ने राज्यसभा के सभापति के रूप में और ओम बिरला जी ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जिस तरह संसद के कार्यकलापों को संचालित किया है तथा देश की महान संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाया है उसके लिए आप दोनों बधाई और सराहना के पात्र हैं। मुझे राज्यों के राज्यपालों व मुख्यमंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों व प्रशासकों से भी पूरा सहयोग मिलता रहा है। उन सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी सांसदगण हमारे सभी देशवासियों विशेष रूप से जो विकास यात्रा में पीछे रह गए हैं उनकी सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। साथ ही आप सब हमारे महान संविधान के अनुरूप सर्वोच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत बनाएंगे। मेरी शुभकामना है कि आप सब समाज व राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाने के अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।